गोविंद नागौर से हमारे साथ स्वागत है। गोविंद आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार, सवाल कीजिए। सवाल, मेरी उम्र है 57 साल। जी जी 57 साल उम्र है और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। अच्छा मैम, देखिए ये उम्र में शायद ही कोई ऐसा हो, वो शेर है ना कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। इस उम्र में दर्द होता है, 40 के बाद कभी भी हम बीमारियों के चपेट में आते हैं। अगर मुस्तकिल इलाज चाहिए, थोड़ा सब्र वाला होना, और रोज़ाना फ़ायदा तो आप कर ही रहे हैं, कभी दर्द की गोली खा ली कभी नहीं खाई, रोज़ खानी पड़ती है, किसी को सालों खानी पड़ती है, किसी को महीनों। तो आप एक गोंद स्याह आता है, रॉ मटेरियल है, वो 100-200 ग्राम खरीदें और आप आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें सुबह शाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100-200 ग्राम गोंद जो लोग लें और इनके ख़त्म होने तक आपको दर्द का फ़ायदा होना मुमकिन है। एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट दर्द वालों के घर में होना चाहिए, उम्र दराज लोग हैं उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए और बहुत मेहनत ना करें। ये उम्र, मैं भी समझता हूँ मैं जवान हूँ आज तक और कुछ भी कर डालता हूँ, लेकिन मुझे मालूमात है मैं किस तरह संभाल लेता हूँ, आप नहीं संभाल पाएंगे। तो आप ज़्यादा वज़न ना उठाएं, ज़्यादा काम ना करें, आराम करें, ऊपर वाले को याद करें और उसको राजी कर लें। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं, रेणुका कोटा से हमारे साथ स्वागत है। रेणुका आपका। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी, आदाब। सर इनको है ना प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है। जी आपके हस्बैंड को? नहीं नहीं हमारी छोटी बहन है इनको। छोटी बहन को, ठीक है। उम्र बताइए। उनकी उम्र है 30-35 वर्ष की। ठीक है। हाँ देखिए, अल्सर वालों के लिए बहुत अच्छी दवा है पत्थर बेल, यानी बेल पत्थर, जब भी मिले खाएं और पानी खूब पिए। पत्थर बेल का मौसम नहीं रहे तो बेल का मुरब्बा भी मिलता है और कभी कभी ये अरंडी का तेल एक चम्मच पिया करें, जिस कैस्ट्रोल ऑयल जिसे कहते हैं, अच्छे किस्म का एक चम्मच पी लिया करें रोज़ाना, और नमक का और मिर्चों का परहेज करें, काफ़ी लंबा परहेज करेंगे तो आपका ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए आपको बस परहेज करने हैं, फिर देखिएगा आप कैसे सेहतमंद हो जाती हैं। दर्शकों यही तो आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए, यूनानी पद्धति से जुड़िए, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग जान सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ के। हकीम साहब, ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी एक वो बहुत ही सटीक नुस्खा जो लोग अपना के अपने घर से बाहर निकलने को तैयार हो जाएं, क्योंकि परेशान हैं लोग, उन्हें लगता है कि अब तो कोई भी संक्रमण कोई भी महामारी उनको जकड़ सकती है। तो देखिए, जितना भी हो सके गर्म पानी पिए, ये एक अच्छा नुस्खा है। रिसर्च के मुताबिक आज भी ये सबसे अच्छी दवा है और जिन लोगों के हालात अच्छे हैं वो उन्हें चाहिए कि कलौंजी का नमक मिलता है, एस्टेक कलौंजी, एक या दो चुटकी शाम पानी से लिया करें, आपको हिफाजत मिल सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गांव विदेश सरे जिला सिरसा से पप्पूराम घाट बात कर रहा हूँ मैम जी। हाँ जी बताइए, सवाल कीजिए। मैम जी मेरे दाएं पग में कटक कटक की आवाज आती है मैम। दाएं पैर में? हाँ मैम जी। दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं है सर जी। एज और बता दीजिए अपनी। एज मेरी 34 साल जी है ना। आपका पानवान तो खाते होंगे ना, तो ये पनवाड़ी जो चूना की एक बोतल बेचता है ना 4-5 रुपए की, ये खरीद लीजिए और इसमें से एक चावल के बराबर चूना एक गिलास दूध में मिला लिया करिए और हफ्ते में एक बार पीजिए, आपको ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है शमशेर पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, बताइए। नमस्कार मैम, मेरे ना आधे सिर में दर्द रहता है, कान के ऊपर आंखों जैसे आंख है,
उपराली सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और अचानक आता है और फिर थोड़ी देर ठहर के चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कब्ज और गैस की भी मेरे को प्रॉब्लम रहती है। अगर हमारा पेट खराब हो तो हमारे पेट के बुखारात दिमाग को चढ़ते हैं। पेट ठीक कर लीजिए, सर अपना आप अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। ये अभी मैंने एक नुस्खा बताया था, ये बहुत नुस्खा बताता हूँ और करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके फवायद जो हैं, इसके फ़ायदे जो हैं, वो लोगों को उसको बहुत इम्प्रेस करते हैं, बहुत मुतासिर करते हैं। और घर की चीज़ें सारी, एक चीज़ शायद बाहर से लेनी पड़ेगी, और वो ये है कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया। और एक चीज़ ज़रा मुश्किल से मिलेगी, वो आप कोशिश करके लेना क्योंकि ये इसकी अहम चीज़ है। और कलौंजी का एस्ट्रेक, कलौंजी का एस्ट्रेक या नमक कलौंजी भी कहते हैं, 100-100 ग्राम सब ये लेके घर में पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह खा के दफ्तर जाया करें और एक चम्मच आके दफ्तर से खा लिया करें खाने के बाद। आपको पेट का सिस्टम, पेट का निज़ाम इतना ज़बरदस्त, कब्ज़ गैस कैसी थी आप भूल भी सकते हैं कि गैस हुआ करती थी मुझे, और इससे सर दर्द का भी ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं संजीव हमारे साथ, स्वागत है संजीव आपका। नमस्कार मैडम जी, बताइए। थोड़ा हकीम जी को आदाब, दो चीजें पूछनी थी अगर आपके पास समय हो तो। जी आदाब, बहुत कम वक्त है, तेजी से पूछिए। अच्छा, एक तो मेरा बेटा है 24 साल का ना, उसके पैरों में बहुत ज्यादा जलन रहती है और उसका थोड़ा पेट भी खराब रहता है। और दूसरा मेरा है, मेरी उम्र 55 साल है, मेरे ना पेट के नीचे जांघों में बड़ी खुजली सी रहती है, खासकर गर्मियों में और ये उमस के मौसम में। ठीक है, बेटे के लिए आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गौंदस्या एक रॉ मटेरियल है, कुछ दिन दीजिए, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। आपके लिए एक चम्मच अलसी हल्की सी भुनी हुई और एक चुटकी खाने का सोडा रोज़ाना एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ शमशेर है पंजाब से, स्वागत है आपका। हाँ जी साहब, आदाब। आदाब शमशेर जी। हाँ जी, मैं जैतून का सिरका मंगवाया और मैं काली गूंद के बारे में पूछना था, कौन से पेड़ की होती है। अच्छा अच्छा, और कोई सवाल? और मेरा, हाँ जी, मेरा गदूद बड़े हुए हैं, प्रोस्टेट की है, ये रात को पेशाब भी बार बार आता है, उसके बारे में पता करना था। ठीक है, देखिए काला गौंद जो है वो आबनूस नाम का एक पेड़ का होता है। आबनूस उस पेड़ को कहते हैं जिससे बांसुरी बनती थी कभी, पहले ये प्लास्टिक और दूसरे तरह के चीज़ें नहीं थी जिनसे बांसुरी बनाई जा सके, तो आबनूस का पेड़ होता जो काला होता है बिल्कुल, उसकी लकड़ी भी काली होती है। काली काली आपने कभी पुरानी बांसुरी देखी हो या तस्वीरों में या यादगारों में, तो आबनूस के पेड़ का होता है, गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद भी कह सकते हैं। और आपने वो सिरका मंगाया है, आप उसे जैतून का सिरका उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोस्टेट की भी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सीमा यूपी से हमारे साथ, स्वागत है सीमा आपका। नमस्कार। जी नमस्कार जी, आदाब फरमाइए। नमस्कार, आदाब सीमा जी, बताइए क्या सवाल है। सर मैंने साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी जी, तो मैंने इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टर, लेकिन आपके 2 महीने से मैं आपके यहाँ से मास्क काट कर पा रही हूँ जी, लेकिन उसके मुझे काफी फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर मैं गले में दर्द था, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है और ठंड सी ज्यादा लगती है मुझे, और पसलियों में दर्द भी है थोड़ा भी। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, माजून आर के आप खा रहे हैं, मतलब यूनानी दवा खा रहे हैं और फ़ायदा भी आपको नज़र आने लगा,
तो जिन लोगों को एक दो महीने खानी है वो यूनानी दवा नहीं लें, 5-6 महीने चाहिए यूनानी दवा के इस्तेमाल को। कुछ लोग एक ही बार लेकर सोच लेते हैं हमें फ़ायदा हो जाना चाहिए, फ़ायदा हो भी जाता है किसी किसी को, लेकिन फ़ायदा होने के बावजूद 5-6 महीने अगर यूनानी इलाज किया जाए तो आप मुद्दतों के लिए परफेक्ट रहते हैं। तो फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया, और ये जो छोटी मोटी तकलीफ है ये तो चली जाएंगी जैसे जैसे आपकी तबीयत अच्छी होगी। कभी गला ठीक होगा, कभी फेफड़े ठीक होंगे यानी लंग्स ठीक होंगे, कभी सेहत ठीक होगी। ये माजून हो या यूनानी दवा, यूनानी दवा के लिए संयम रखें तो यूनानी दवा लें, नहीं तो फिर आपकी वही दवा ठीक है जो आप खाते हैं रोज़ खाते हैं, रोज़ फ़ायदा हो जाता है। बुरा ना माने लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि यूनानी वालों को एक से ज़्यादा बार दवा लेनी पड़ेगी, और 5-6 महीने हमें दे तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं। तो चलिए, जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई हैं अगर आप उन पर गौर फरमाएंगे तो ज़रूर आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने ट्रीटमेंट को समझ पाएंगे। दर्शकों देखिए, जब आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, घरेलू उपचार आप लोग जानते हैं, यूनानी पद्धति से जब आप लोग जुड़ते हैं तो आपको एक समय देना होगा जहाँ 10 साल 15 साल 20 साल आपको एक मर्ज जकड़ कर रखता है और जिससे पार पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ आपको यूनानी पद्धति को तो थोड़ा वक्त देना होगा, घरेलू उपचार को भी वक्त तो देना होगा। संयम धैर्य रखना बहुत जरूरी है। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अरुण आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी अरुण, सवाल कीजिए। जी हाँ, हकीम जी से बात करनी है। जी अरुण भाई, आदाब, फरमाइए, क्या सेवा? आदाब हकीम साहब, ये चाहते हैं कि तुलसी प्लस और एस्टेयर। तुलसी? हेलो जी, हाँ तुलसी जी। प्लस जी, तुलसी प्लस और ए केयर। ए केयर जी, जी साहब, इसके बारे मंगवाना चाहते हैं? नहीं, हाँ आई आती रहती है हमारे यहाँ तो आई है। अच्छा, कुछ पूछना है आपको इसके बारे में? नहीं सर, किस किस मर्ज में काम, मतलब किसमें करेगी, दोनों एक ही में करेंगी? और देखिए, ये यूनानी दवाएं जो हैं ये बहुत सारे मर्ज में काम करती हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देती है, तो आपका जिस्म ऐसा हो जाता है कि बीमारियों से खुद ही लड़ने वाला हो जाता है। यानी आपको कोई बीमारी चल रही है तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति आ गई तो फिर आप खुद लड़ते हैं। यूनानी कोई आपको सपोर्ट नहीं करती, बस आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। और जैसे आप इससे पहले फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं माजून आर केयर इस्तेमाल कर रही हूँ, फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा उनके उनको ये डायरेक्ट नहीं दे रही बल्कि इनडायरेक्ट में उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। यूनानी की बहुत सारी दवाएं हैं और ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगी, और बाकी बीमारी आपकी उससे खुद ठीक होती है। तो मैं जो भी घरेलू नुस्खे बताता हूँ या दवा बताता हूँ तो आपको ताकत देती है आपके अंदर के शरीर को, जो जिसे इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता या कुव्वत मुदाफियत हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। आज पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत पड़ गई, और यूनानी हमेशा से कहता है कि अपनी इम्यूनिटी को जबान रखिए। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हैं कृष्णा गुप्ता, जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो कृष्णा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है सुधा, स्वागत है सुधा आपका। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैं हकीम जी से बात करना चाहूंगी। जी सुधा जी, आदाब, बताइए। आदाब जी, जी मेरा यूरिन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें मुझे सारे शरीर में खुजली सी भी हो गए यूरिक में, और ये यूरिक क्या है, ये क्या परहेज, क्या दवाई, क्या चले, इसकी दवाई बताओ मुझे कुछ। ठीक है, आप अपनी उम्र बता दीजिए, मैं दवाई बता दूंगा। मेरी उम्र है 62। ठीक है, 62। हाँ तो देखिए, यूरिक एसिड एक किस्म का नमक है, और ये हमारी किडनी की जिम्मेदारी है कि वो इस यूरिक एसिड को जितनी ज़रूरत है इतना रोके और बाकी को पेशाब के ज़रिए
निकाल दे, ये किडनी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये अपना अमल सही नहीं करती किडनी, तो यूरिक एसिड बढ़ता है और हमारे जिस्म में वो खुजली भी करता है और दर्द भी करता है, जोड़ों में जाके बैठ जाता है, नमक टाइप है ये, तो जोड़ों में दर्द भी होता है। और इसका एक तो अच्छा इलाज ये है कि खूब पानी पिए, गर्म पानी पिए 2 लीटर रोज़ाना, तो बग़ैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक इलाज ये है कि अलसी लीजिए 400 ग्राम, 400 ग्राम अलसी हल्का सा भून लीजिए इसे और इसका पाउडर बना लीजिए। 400 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा और 10 ग्राम से 20 ग्राम इसमें जो खाने का सोडा आपके किचन में है वो मिक्स कर दीजिए और रोज़ाना आप 1 चम्मच खाइए सुबह और शाम, यानी 3-4 ग्राम। तो ये जो मैंने 400-500 ग्राम मटेरियल बताया है, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।